सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज टी एंड यू आर वॉचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे ईमेल कलेक्शन कर सकते हैं और कैसे ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं अपने ऑफर पे। तो दोस्तों, ये वीडियो दो पार्ट में होने वाली है। पहले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे ईमेल को कैप्चर कर सकते हैं, मतलब कैसे मार्केट से ईमेल को ग्रैब कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका हम लोग बात करेंगे वो बात होगी कि ट्राफिक कैसे ड्राइव करेंगे अपने प्रोडक्ट, सर्विस एंड ऑफर पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जहां से सारी चीजें काम करती हैं। और गाइस, एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या अभी तक कितने लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की है। आई थिंक दिस इज द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। सो कितने लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, तब भी मैं आगे जो लास्ट वीडियो है वो लेके आऊंगा, और आगे जो अपना सीपीए का सीरीज आने वाला है वो भी तभी लेके आऊंगा अगर मुझे कोई इफेक्ट दिखेगा और लगेगा कि लोग एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि गाइस देखो, इतनी वीडियोज मैं बना रहा हूँ, वीडियोज आप देख रहे हो, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो बिलीव मी कुछ भी नहीं होने वाला। तो प्लीज गो एंड टेक एक्शन। अगर अभी तक आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया है, एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइस, अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाओ, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या पीसी पे मिल सके। और प्लीज, अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए डेली ऐसी वीडियोस लेके आने के लिए। सो लेट्स गो ऑन द बोर्ड। तो दोस्तों, बोर्ड पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ग्रैब करना है ईमेल। देखो, अगर आप एक लैंडिंग पेज, स्क्वीज पेज या फनल या कुछ भी बना देते हो और वहां आप लोगों से डिमांड करते हो ईमेल और फर्स्ट नेम की, डिमांड करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, ज्यादातर लोग आपको वो चीज नहीं देंगे। क्यों देंगे, ठीक है, क्यों, उनको समझ ही नहीं आता है क्यों देंगे। आप बोलोगे कि आई एम अर्निंग लाइक दिस, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ ऐसे करके, सो प्लीज गिव योर ईमेल, तो लोग आपको नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ एक रीजन नहीं है। जब तक कोई रीजन नहीं रहता, चीजें नहीं होती हैं, जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है। हमेशा मैं इस चीज की बात करता हूँ कि वाई क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने कस्टमर्स का भी और अपने लाइफ में भी, तो वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि ईमेल ऐसे ही कलेक्ट किया जाता है। लोग आपको बहुत घुमा फिरा के बताएंगे ये वो फलाना ढिकाना, एकदम इजी है, सिर्फ एक दो लाइन की चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक ऐसी चीज बनाओ जो आप अपने ऑडियंस को दे सको, ठीक है। एग्जाम्पल, ई बुक द बेस्ट, क्योंकि सब ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, ई बुक। लेकिन ई बुक में क्वालिटी और दम दोनों होना चाहिए। कोई ट्रेनिंग, अगर आप ट्रेनिंग बना सकते हो तो ट्रेनिंग बनाओ अपने लिए, ठीक है, या कुछ गिव अवे, ठीक है। अब गिव अवे क्यों मैं बोला, ठीक है, गिव अवे तो ये भी है, ये भी है। गिव अवे बोलने का मतलब कोई प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, ये तो ई बुक हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई ट्रेनिंग है तो वो भी आपकी ऑनलाइन रहेगी, लेकिन कोई प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट काम आता है क्लिक बैंक और अमेजोन के प्रोडक्ट एफिलेट के लिए, ठीक है। तो ये तीन चीज आप अपना सकते हो और यहां से आप ईमेल जनरेट कर सकते हो। ई बुक बनती कैसी है, कैसे है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। यहां पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये देखो, अर्न मनी फ्रॉम ई बुक, यहाँ आपको दिख रही होगी, अर्न मनी फ्रॉम ई बुक, सेल ऑन फेसबुक, मेक इन 10 मिनट्स। तो यहाँ मैंने बताया है कि कैनवा से आप कैसे बना सकते हो ई बुक सिर्फ 10 मिनट से 15 मिनट, तो यहाँ आके आप उसको चेक कर सकते हो। दूसरी चीज, कोर्स, तो कोर्स मैंने आपको फनल मेकिंग बताया, फनल मेकिंग के लिए फनल मेकिंग में 2-3 पेजेस डाल लो और वहां समझा दो कोई कोर्स के बारे में, ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। थर्ड थिंग जो मैंने कहा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कोई सा भी जो ट्रेंडिंग में चल रहा हो, जैसे बीच में आया था फिजिट स्पिनर, याद है आपको, फिजिट स्पिनर बहुत लोग ले रहे थे, घुमा रहे थे, तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट था, ऐसे ही कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पकड़ लो और उसमें बोलो कि मैं गिव अवे करने वाला हूँ, मैं कुछ 10 लोगों को या 5 लोगों को बांटने वाला हूँ, $1-2 की चीजें पकड़ लो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, आप अली एक्सप्रेस पे जा सकते हो, वहां से पिक कर सकते हो, ठीक है, ईबे पे जा सकते हो, वहां से पिक कर सकते हो, मतलब
सस्ती चीजें जो बहुत अच्छी ट्रेंडिंग में हो, ट्रेंडिंग मतलब अच्छी चल रही हो, ठीक है, तो ऐसी चीजों को आप पकड़ के क्लिक बैंक और अमेजोन के ईमेल कलेक्शन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप लोगों को ऑफर करोगे कि मैं ये चीज आपको दे रहा हूं, अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है सो प्लीज पुट योर ईमेल एंड फर्स्ट नेम और ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। तो इस समय क्या होता है, रिस्को का एक बहुत बड़ा गेम होता है इसमें, ठीक है। यहाँ बहुत जरूरी है गेम खेलना, जब लोग अट्रैक्ट होंगे आपके ऑफर पे तो वो सही ईमेल आपको देंगे, ठीक है, सही ईमेल देंगे, सही नेम देंगे, क्यों, क्योंकि उनको कुछ मिलने वाला है, तो इसीलिए कुछ देना पड़ता है कुछ लेने के लिए, एकदम सिंपल सा रूल है, कुछ देना पड़ता है कुछ लेने के लिए, तो इसमें से आप कुछ भी दो। और एक चीज बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लो, ईमेल जान है पूरी ऑनलाइन मार्केटिंग की, और ऑनलाइन में जो भी कंपनीज है चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, कोई भी, चाहे वो स्विगी जोमेटो ओयो चाहे कोई भी कंपनी हो, सब आपका डाटा रखती हैं आपको टारगेट करने के लिए। वैसे ही ईमेल मार्केटिंग में आप लोगों के ईमेल रखते हो, एफिलिएट मार्केटिंग में आप लोगों के ईमेल रखते हो, सीपीए मार्केटिंग में आप लोगों के ईमेल रखते हो उनको रिटारगेट करने के लिए। तो अगर अभी तक आप सीरियस नहीं हो इस बारे में तो प्लीज सीरियस हो जाओ और ईमेल कलेक्शन करना अपने ऑटो रिस्पॉन्डर में स्टार्ट कर दो, अलग अलग चीजें बना लो और स्टार्ट कर दो। कल की वीडियो में मैंने बताया भी है कि कैसे आप ईमेल कलेक्ट कर सकते हो, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच, पूरी चीजें मैंने बताई है कैसे आप कलेक्ट कर सकते हो, कैसे कॉन्फ़िगरेशन उसका कंप्लीट कर सकते हो अपने लैंडिंग पेज फॉर स्क्वीज पेज या कहीं पर भी, ठीक है, या ब्लॉग में भी वैसे ही करना है, तो वैसे करके आप ईमेल का कलेक्शन कर सकते हो। अब जो दूसरी चीज है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। गाइज मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल से वीडियोस को बता रहा हूँ, तो कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे आई थिंक कि वीडियो में दम नहीं है, हो सकता है ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों को सिंपल करके बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, आप चीजों में फंसो ना, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की है इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि लोग बहुत घुमा फिरा के बताते हैं लेकिन जो मेन पॉइंट रहता है वो यही रहता है कि कुछ दो और सही चीज लो, बस यही एक लाइन है जो आपको समझनी है। अब बात करते हैं ट्रैफिक की, ट्रैफिक द मेन फैक्टर इन द वर्ल्ड, जिसके पास ट्रैफिक है वो किंग है, आपने सुना होगा नेटवर्क इज द नेट वर्थ, राइट, तो वही चीज होती है ट्रैफिक, ट्रैफिक को ही आप एक नेटवर्क बोल सकते हो, आपका नेटवर्क, देखना आजकल इंस्टाग्राम हो या कोई फेसबुक प्रोफाइल हो जो बहुत अच्छे बंदे की, तो उन्होंने लिखते हैं हमारा जो नेटवर्क है वो 1.4 मिलियन का है, 4 मिलियन का है, 6 मिलियन, क्यों, क्योंकि वो शो कर रहे हैं कि उनका इतना बड़ा नेटवर्क है, तो उनका नेटवर्क भी बहुत ज्यादा है, उनके पास पावर है, तो वो क्लाइंट को वैसे अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आप कैसे फ्री में ड्राइव कर सकते हो अपने ऑफर्स पे, ठीक है, इस पे कुछ वेव्स हैं। फर्स्ट है जो इंडिया में बहुत ज्यादा बूम पे है और ये लोग अपने आप को एफिलिएट मार्केटर भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लॉगर, मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्लॉगर गलत चीज है, ब्लॉगिंग बहुत अच्छी चीज है लेकिन ये एक बहुत बड़ी और एक अलग इंडस्ट्री है, ठीक है, ब्लॉगिंग, तो आप अपने ब्लॉग से ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो। फर्स्ट यूट्यूब चैनल अगर आपके पास अच्छा है, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है, अच्छा है और अच्छा सब्सक्राइबर बेस है तो यूट्यूब चैनल। थर्ड आपका इंस्टाग्राम आईजी, फोर्थ आपका है फेसबुक, आई लव दिस फेसबुक, सो फोर्थ है आपका फेसबुक, फिफ्थ जो है आपका पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट, तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा काम आती हैं ट्रैफिक ड्राइव करने में फ्री में, खासकर ये दो, फेसबुक और आईजी, जहां से लोग इस समय बहुत ही ज्यादा पैसे कमा रहे हैं फ्री ट्रैफिक से, ठीक। पहले अगर आप कोई भी लैंडिंग पेज बनाते हो या कोई भी फनल बनाते हो उसमें, मतलब मैं सीपीए का नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं एफिलिएट मार्केटिंग बोल रहा हूँ, तो उस चीज को टेस्ट करने के लिए हमेशा फ्री ट्रैफिक का पहले यूज करो, 1 2 3 4 10 15 100 पहले यूज करो, फिर उसके बाद उसके लिए पेड चीजें
यूज करो, ठीक है। बहुत ही ज्यादा गोल्डन रूल है, याद रखो। इससे पैसे सेव होते हैं और उन पैसों को आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, याद रखना। तो ये बहुत जरूरी है। अब आपको यहाँ से ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए बहुत अलग अलग मेथड्स आपको मिलेंगे, समझ में आएंगे, ठीक है। ब्लॉग पे आप कंटेंट शेयर करो, ठीक है। जो भी आपका नीश है उसको वहां पर लोगों को वैल्यू दो। फर्स्ट पिंटरेस्ट में जो भी आपका नीश है वैसी फोटो डालो। पिंटरेस्ट मुझे पता है बहुत सारे लोग इंडिया में यूज नहीं कर रहे हैं, बट आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और याद रखो, एक और गोल्डन रूल है, आप इन पांच में से सिर्फ एक ही किसी प्लेटफॉर्म पे काम करो, सिर्फ एक ही, ठीक है। याद रखना, लोग सोचते हैं कि मैं इस पे भी कर लूँ, इस पे भी कर लूँ, इस पे भी कर लूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। इसमें क्या होता है, आप एक चीज पे मास्टरी नहीं कर पाते हो और आप अपना एक चीज पे ध्यान नहीं दे पाते हो, और क्या होता है, आप बहुत सारा जो ट्राफिक है वो खो देते हो, ठीक है। इवन कई टाइम लोग सक्सेस भी नहीं हो पाते हैं हर जगह से ट्राफिक ड्राइव करने में। तो याद रखना, शुरू में हमेशा एक पे फोकस करो। शुरू में अगर आप बिगिनर हो तो एक पे ही फोकस करना है आपको, ठीक है। और यहाँ से अपने ट्रैफिक लाके अपने यहाँ पर डालनी है, और यहाँ से आपको काम पता ही है क्या करना है, कैप्चर करना है ईमेल्स को। कंटेंट, कंटेंट इज द की। जब तक आप यहाँ पर हर चीज पे कंटेंट शेयर नहीं करोगे, लोगों को कुछ दोगे नहीं, तो आपको मिलेगा नहीं। ये रूल हर जगह काम आता है गाइस, हर जगह। जब तक आप कुछ लोगों को प्रोवाइड नहीं करोगे, वो आपको कुछ नहीं देने वाले। आप जाते हो दुकान पे, पैसे देते हो, सामान मिलता है, भिखारी। आप जब उसको भीख देते हो तो वो आपको दुआएं देता है। मतलब लेना देना, जो आपको बचपन से हिस्ट्री में भी पढ़ाया जा रहा है, ये सभ्यता वो सभ्यता चल रही है, जहां पर आपको सिखाया जाता है कि लो दो यस गाइस, द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसको आपको समझना है, फॉलो करना है। ये पांच तरीके हैं जहाँ आप फ्री में ड्राइव कर सकते हो। अब इसके बाद मैं एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेड कैसे आप ट्रैफिक यूज कर सकते हो और अपने फेसबुक पे एड्स रन कर सकते हो। आई थिंक वो लास्ट वीडियो होगी, और उसके बाद ये हमारा पूरा सम अप करूंगा एक वीडियो में, और उसमें ऑटोमेशन के बारे में बताऊंगा कि ऑटोमेशन पे आपको कैसे ले जाना है चीजों को। तो बस ये कुछ छोटी सी चीजें हैं जो आपको समझना है और आगे बढ़ना है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे लिखो, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। बाय बाय, जय हिंद।